गोपालगंज शहर में दिलीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस चलाने का काम करता था। हर सुबह अस्पताल जाया करता था और देर रात तक एम्बुलेंस चलाकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाता था। अस्पताल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। वहां के इंस्पेक्टर से दिलीप की अच्छी जान पहचान थी। वह कुछ दिनों पर इंस्पेक्टर साहब का हाल चाल लेने के लिए जाता रहता था। क्या इंस्पेक्टर साहब, कैसे हो आप? आजकल तो बहुत व्यस्त रहते हो। आजकल नहीं रे दिलीप, हर रोज का यही हाल है। एक मिनट का फुर्सत कहाँ है? अभी देखो, दो आतंकवादी भागकर शहर आ गए हैं। उन्हीं को ढूंढने का जिम्मेदारी मिली है। अरे आप तो हो ही हुनहार, जरूर खोज ही लोगे। अच्छा अब मैं अस्पताल चलता हूँ। दिलीप अस्पताल आकर एम्बुलेंस लेकर मरीजों को लाने निकल पड़ता। दो आतंकवादी हरीश और मुन्ना शहर आकर छुपकर बैठे थे। वो दोनों कोई योजना बनाने में लगे हुए थे जिससे सरकार की बहुत निंदा हो और वह दोनों शहर के लोगों को कष्ट पहुंचा सके। मुन्ना, हमें जल्दी ही कोई प्लान बनाना होगा जिससे हम अपने काम को अंजाम दे सके और रफू चक्कर हो सके। अबे गधे, इतने घंटे से तो यही सोच रहा हूँ, तू भी तो कुछ दिमाग लगा। मैं तो कहता हूँ सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस की ब्रेक फेल कर देते हैं। जब ड्राइवर एम्बुलेंस में मरीजों को लेकर आता रहेगा, उसका ब्रेक काम ही नहीं करेगा और मरीजों के साथ ड्राइवर भी मारा जाएगा। वाह हरीश, क्या प्लान बनाया है तूने? हम अब यही करेंगे और इससे हमारा काम भी हो जाएगा। वो दोनों छिपकर एम्बुलेंस का ब्रेक फेल कर देते हैं और भाग जाते हैं। जिस एम्बुलेंस को दिलीप चलाया करता था, उसी एम्बुलेंस की ब्रेक उन दोनों ने फेल कर दी। दिलीप एम्बुलेंस में कई मरीजों को लेकर आ रहा था। जब वह ब्रेक लगाता तो ब्रेक काम नहीं करता। हे भगवान, ये क्या हो गया? ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहा है। आगे एक गहरी नदी के सिवा कुछ नहीं था। कई बार कोशिश करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं रुकी और उस गहरी नदी में जा गिरी। जिस नदी में एम्बुलेंस गिरा वह जादुई नदी थी। उस नदी में जो भी चीज जाती वह जादुई बन जाती थी। एम्बुलेंस भी उसके अंदर जाते ही जादुई बन गई और तुरंत नदी से बाहर आ गई। अरे ये क्या हो रहा है? एम्बुलेंस खुद कैसे निकल रहा है? अब क्या होगा? एम्बुलेंस हवा में उड़ने लगता और सभी मरीज और दिलीप को अस्पताल तक पहुंचा देता। सभी मरीजों की जान बच जाती है, लेकिन दिलीप यह सब देखकर बहुत डर चुका होता है। ये एम्बुलेंस हवा में कैसे उड़ सकता है? लगता है जरूर यह कोई भूतिया एम्बुलेंस है। मैं अब ये एम्बुलेंस नहीं चलाने वाला। हरीश और मुन्ना अखबार में खबर का इंतजार कर रहे थे कि सरकारी एम्बुलेंस की दुर्घटना में मरीज और ड्राइवर की जान चली गई, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आती। दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दिलीप उस दिन के बाद बहुत डर जाता है और एम्बुलेंस चलाना छोड़ देता है। एम्बुलेंस अस्पताल के गैराज में रखवा दी जाती है। हरीश ने किसी और एम्बुलेंस को चलाने की बात अस्पताल वालों से की, लेकिन उस एम्बुलेंस के अलावा कोई और एम्बुलेंस खाली नहीं था, इसीलिए उसने वहां काम करना छोड़ दिया। हरीश और मुन्ना एम्बुलेंस को खोजने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिलती। वो दोनों पूरे अस्पताल में बम लगाकर अस्पताल को बम से उड़ाने की योजना बनाते हैं। एक दिन जब दिलीप अस्पताल के पास से गुजर रहा था, तभी उसने दो लोगों को देखा जो काफी अजीब लग रहे थे। दोनों ने लंबी लंबी दाढ़ी रखी थी, लेकिन चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। इंस्पेक्टर साहब ने उनका चेहरा दिखाया था, उन्हें उनकी तलाश थी। वह उन दोनों का पीछा करने लगा। दोनों अस्पताल के बाथरूम में जाकर बम फिट कर देते हैं और कुछ बम अस्पताल के बेड के नीचे लगा देते हैं। दिलीप यह सब देख रहा था। हरीश और मुन्ना दिलीप को देख लेते हैं और दोनों दिलीप को पकड़ लेते हैं। बम है, बम, पूरे अस्पताल में बम है, जल्दी पुलिस बुलाओ। यह सुनकर अफरा तफरी मच जाती है और सभी अस्पताल से भाग जाते हैं। चुप, बिल्कुल चुप, अभी मार डालूंगा तुझे, चिल्लाना बंद कर। इतने ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और दोनों आतंकवादी हरीश और मुन्ना को पकड़ लेती है। सारे बम को सुरक्षा के साथ वहां से हटा दिया जाता है।
जब दिलीप अस्पताल से जाता है तब देखता है कि गैराज में वह एम्बुलेंस रखी है। वहाँ से तेज रोशनी आ रही है। दिलीप डरता हुआ वहाँ जाता है और गैराज खोलता है। दिलीप तुम मुझसे डरो मत। इतना सुनते ही वह वहाँ से भागने लगता है। रुक जाओ, भागो नहीं, मेरी बात तो सुनो दिलीप। क्या है बोलो, तुम जरूर कोई भूतिया एम्बुलेंस हो। नहीं, मैं भूतिया नहीं हूँ, मैं एक जादुई एम्बुलेंस। जिस नदी में मैं गिर गया था वह जादुई नदी थी, इस वजह से मैं भी जादुई एम्बुलेंस बन गया हूँ। तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो बिना डरे। क्या सच में? दिलीप उस एम्बुलेंस को वापस चलाने लगता है और जादुई एम्बुलेंस की मदद से वह मरीजों को बहुत जल्दी ही अस्पताल पहुंचा दिया करता। एक दिन हरीश और मुन्ना पुलिस से बचकर भाग जाते हैं और एक ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। उन्हें दिलीप से बदला लेना था। जब उन्होंने दिलीप को एम्बुलेंस में देखा तो उन्होंने अपनी ट्रक से दिलीप के एम्बुलेंस को धक्का दे दिया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। जादुई एम्बुलेंस पूरी रफ्तार में ट्रक की ओर गया और ट्रक को एक पेड़ के पास फंसा दिया। कितना भी प्रयास करने पर ट्रक नहीं निकल पाया। पुलिस दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है और वापस उन्हें पकड़ लेती है। अब तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। दोनों को वापस कड़ी सुरक्षा के साथ जेल में डाल दिया जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एम्बुलेंस, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच पाई, नहीं तो वो दोनों तो मुझे मार ही डालते। अब यह सब छोड़ो और चलो जल्दी, कई मरीजों को लाना है। हाँ सही कहा तुमने, चलो अपने काम पर चलते हैं। बहुत पुरानी बात है, नीरेन स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक आदमी बड़ी जल्दी में ट्रेन से उतरा और जिस जगह पर वह बैठा था वहीं उसका बटुआ गिर गया। जब तक वे उसको आवाज देता वे आगे निकल गया। नीरेन ने उसका बटुआ उठा लिया और खोल कर देखा तो उसमें 500 के 10 नोट थे। कुछ कार्ड थे और एक और कार्ड था जिस पर फोन नंबर लिखा था। नीरेन ने सोचा जिस व्यक्ति का बटुआ होगा वह परेशान हो रहा होगा, चलो मैं कल चला जाऊंगा, आज इस नंबर पर फोन करके उसका बटुआ उसे वापस कर दूंगा। वह स्टेशन से बाहर आ गया और टेलीफोन बूथ पर जाकर फोन करने लगा। उधर से एक भारी भरकम आवाज आई, कौन? तब नीरेन ने उस व्यक्ति से कहा, आपका नाम मनसुख लाल है? उसने कहा हाँ, पर आप कौन है? नीरेन बोला, आपका बटुआ यहाँ स्टेशन पर गिर गया था, इसमें आपका फोन नंबर लिखा था, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ। मनसुख लाल ने कहा, आप मेरा पता लिख लीजिए और एक टैक्सी लेकर आ जाइए, मैं आपको किराया दे दूंगा। नीरेन ने उसका पता लिख लिया और टैक्सी लेकर उसके बताए हुए पते पर चला गया। जब वे वहां पहुंचा तो देखा कि एक हवेली नुमा घर था। उसने घंटी बजाई, दरवाजा मनसुख लाल ने खोला। उसने नीरेन को अंदर बुलाया। नीरेन ने कहा, नहीं साहब, आप अपना बटुआ ले लीजिए, मैं चलता हूँ। तब उस मनसुख लाल ने कहा, अरे भाई अंदर तो आओ, क्या काम करते हो? नीरेन सिर झुकाए ही बोला, साहब आया तो काम की खोज में ही था, लेकिन कुछ मिला नहीं, इसलिए वापस गांव जा रहा था। तब मनसुख लाल ने कहा, अरे तुम मेरे पास आए हो तो काम तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, तुम्हें बाग बगीचे का काम आता है? नीरेन ने कहा, साहब मैं गांव का रहने वाला हूँ, खूब जानता हूँ। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो कुछ काम तो मिला। मनसुख लाल ने अपने बटुए में से 5-5 के 4 नोट निकालकर उसे थमा दिए और बोले, ठीक है, हमारा माली बहुत बीमार है, तुम तब तक वही काम करो, फिर मैं तुम्हें कोई और काम दे दूंगा। मनसुख लाल ने अपने नौकर को बुलाया और बोले, रामू नीरेन को पीछे बने कमरों में से कमरा दे दो और इसको नाश्ता और खाना भी दे दो। नीरेन ने मनसुख लाल के पैर छूकर कहा, साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, वरना मैं तो निराश ही हो रहा था। नीरेन ने जाकर नहाया धोया, नाश्ता पानी किया, फिर अपना सामान उठाकर रामू के पीछे पीछे चला गया। दोपहर हो गई थी। रामू ने उसे हवेली के पीछे बना बगीचा दिखा दिया और बगीचे में काम आने वाला सारा सामान भी दिखा दिया। नीरेन के लिए बगीचे का काम करना कोई मुश्किल ना था। 1-2 महीने में ही बगीचा बिल्कुल हरा भरा हो गया। एक दिन वह बगीचे में खुदाई कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई और वह चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और जल्दी जल्दी कुदाल चलाने लगा। थोड़ी देर में ही उसने देखा कि कुदाल जिस चीज से टकराई थी वह एक सीढ़ी थी। उसने वहां से मिट्टी हटाई तो देखा
वह सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। कच्ची पक्की सीढ़ियों पर उतरते हुए काफी देर हो गई। वह सीढ़ी एक बहुत बड़े से मैदान तक जाकर खत्म हो गई। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि वह मैदान छोटे छोटे बौनों से भरा हुआ था। आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। उस मैदान के भीतर 100 से भी अधिक बौने थे। उनके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ पत्ते थे। वे शायद वहां अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनमें औरतें और बच्चे भी थे। वे छुपकर बहुत देर तक उनको देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सब लोग मैदान के दूसरे तरफ बने फाटक की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही फाटक खुला, वे सब उस फाटक से निकल गए। नीरेन भी सबकी नजर बचाकर उस फाटक से उनके पीछे पीछे आ गया। उसने देखा कि सब लोग एक जंगल में पहुंच गए। नीरेन पर अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। उसके हाथों में उसकी कुदाल थी। उसने सोचा, देखूं ये लोग करते क्या है। वह जल्दी से जाकर झाड़ियों में छिप गया। तभी उसने देखा कि एक बौने ने जोर से सीटी बजाई और बहुत सारे मोर और हिरन भागते हुए आ गए। सभी बौने उनको घेर कर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि हिरन और मोर उनकी सारी बातें समझ रहे हैं। उनमें से एक बौना उठा और उसने एक बांसुरी निकाल ली। वह बांसुरी बजाने लगा और सारे हिरन, मोर और बौने उस बांसुरी की धुन पर नाचने लगे। नाचते नाचते जब सब बौने थक गए, तब कुछ बौनों ने अपने साथ लाए थैले में से कुछ खाने का सामान निकाला और सबको दे दिया। हिरन और मोर भी पालतू जानवर की तरह सब कुछ खाने लगे। खाना पीना खत्म होते ही सब लोग वापस आने की तैयारी करने लगे। नीरेन उनके वापस आने से पहले ही वहां से लौट आया और जल्दी जल्दी उसी फाटक से होते हुए ऊपर बगीचे में आ गया और उस जगह की मिट्टी को बराबर कर दिया। उसने देखा कि बहुत देर हो गई है, सूरज ढलने वाला था। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी ही देर में रामू उसको बुलाने आया। जब वे हवेली में पहुंचा तो मनसुख लाल ने उसको देखते ही पूछा, अरे नीरेन, आज पूरे दिन कहां गायब रहे थे भाई? नीरेन ने कहा, साहब आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा था। मनसुख लाल ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और बोले, कैसा नजारा? नीरेन ने जब सारी आंखों देखी घटना बताई तो मनसुख लाल हैरान रह गए और बोले, हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। हमारे पिताजी ने ये हवेली खरीदी थी, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जानता कि इस हवेली के नीचे कोई दूसरी दुनिया है। नीरेन ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप कल खुद चलकर देख लीजिए। मनसुख लाल को पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन दोनों चुपचाप कुदाल लेकर गए और उस जगह की मिट्टी को जैसे ही हटाया, सीढ़ी दिख गई। वे दोनों नीचे उतर गए। मनसुख लाल ने देखा, जैसा नीरेन ने बताया था वही सब हुआ। वे दोनों सबके लौटने से पहले ही वापस आ गए। अब तो मनसुख लाल ने नीरेन से कहा कि इतने सारे लोग वहां रह रहे हैं, क्यों ना उनसे मिले जुले और उनको अपनी दुनिया में ले आए। नीरेन बोला, मैं भी यही सोच रहा था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मनसुख लाल ने रामू से कहा कि आज करीब 100 लोगों की दावत है, उनके लिए खूब बढ़िया खाना बनवाने का प्रबंध करवा दो। शाम को सब लोग आएंगे, कुछ व्यंजन बड़े बड़े थालों में सजा दो। जब थालों में व्यंजन सज गए, तब मनसुख लाल और नीरेन उन थालों को लेकर बड़ी सावधानी से बगीचे में जाकर उन सीढ़ियों से नीचे उतर गए। जब वे दोनों मैदान में पहुंचे, तब सब बौने फाटक से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। मनसुख लाल ने थाल जैसे ही वहां रखा, तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू से सभी बौने पीछे की तरफ देखने लगे। लेकिन वहां 2 अजनबी प्राणियों को देखकर सब सहम गए और उन्होंने अपने तीर धनुष निकाल लिए। तब नीरे ने ताली बजाई और इशारे से सबको पास बुलाया और अपने साथ लाए हुए खाने में से सबको कुछ कुछ खाना देने लगे। उन लोगों ने शायद कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। खाना खाकर सब बौने बड़े खुश हो गए। मनसुख लाल ने सबसे इशारे से कहा, आप लोग हमारे साथ चलिए, हम आज आपको इससे भी अच्छा खाना खिलाएंगे। सभी बौने आश्चर्यचकित होते हुए मनसुख लाल और नीरेन के पीछे पीछे चल दिए। ऊपर आकर वे बगीचे से होते हुए हवेली में आ गए। हवेली की शान शौकत देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। शायद उन्होंने पहली बार बिजली की रोशनी देखी थी। पंखा चलते हुए देखकर सबको बड़ी हैरानी हो रही थी। मनसुख लाल ने सबको पहले प्यार से बैठाया, सबको भरपेट भोजन कराया
सबको बढ़िया बढ़िया कपड़े दिए। सभी बौनों ने तुरंत कपड़े पहन लिए और एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। तभी एक बौने ने अपनी बांसुरी निकाल ली और बजाने लगा। बौने खुशी खुशी नाचने लगे। मनसुख लाल, नीरेन और जितने भी लोग वहाँ थे सब बांसुरी की धुन पर खूब नाचे। जब सारे लोग थक गए तब बौनों ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। दावत खत्म हो गई। जब सबके जाने का समय हुआ तब मनसुख लाल ने कहा, आप लोग जब चाहें यहाँ आ सकते हैं, ये आपका अपना घर है। बौनों ने हामी भरी। धीरे धीरे सब बौने सीढ़ियों से उतर गए। सबके जाने के बाद मनसुख लाल ने नीरेन से कहा, नीरेन अब तुम अपने घर वालों को भी यहीं बुला लो। मेरे पास बहुत पैसा है पर मेरा कोई अपना नहीं है। अब से तुम मेरे बेटे की तरह रहोगे। तुमने हवेली का ऐसा रहस्य खोज निकाला जो हम यहाँ रहते हुए भी नहीं जान पाए। कुछ दिनों बाद मनसुख लाल ने बगीचे की सीढ़ियों को तुड़वा कर पक्की सीढ़ियां बनवा दी। सभी बौने दिन भर ऊपर नीचे करते रहते। सीढ़ियों का रहस्य जानकर मनसुख लाल के एकाकी जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गईं।